लगातार धरने, सरकार सुन नहीं रही है, धरने पर बैठे और कोई सुनने वाला नहीं है। वीरांगनाओं की मांग को लेकर बैठे हैं, पुलवामा के शहीदों के लिए बैठे हैं, किसी घर के लिए नहीं बैठे हैं। ये राजस्थान में इस तरह से सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। इस तरीके से ये सरकार की मनमर्जी नहीं चल सकती। इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, वो एक सांसद धरने पर बैठा है, आदिवासी सांसद धरने पर बैठा है, आदिवासी सांसद धरने पर बैठा है, एससी एसटी के लोग धरने पर बैठे हैं, आदिवासी सांसद धरने पर बैठा है, और शहीदों की मांग के लिए बैठा है। शहीदों की वीरांगनाएं वहां पर बैठी है, शहीदों के बच्चे वहां पर बैठे हैं। सभापति महोदय, सरकार नहीं कर पा रहे, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सरकार की बुराई को। सुनिए सुनिए सभापति महोदय, सुनिए तो सही। सभापति महोदय सुनिए तो, दिल्ली सरकार के जो फैसले उसका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो देश को बर्बाद करने के जो आपने फैसले किए। मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, मैं, आपने मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, आप बर्दाश्त करिएगा, आप हाँ बर्दाश्त करिएगा। मैं बोल रहा आप बीच में डिस्टर्ब कर, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। मैं आप क्यों नहीं बुराई सुन रहे भारत से? हो गई थी बात सभापति महोदय, एक मिनट राजेंद्र जी, एक मिनट राजेंद्र जी। कल राजेंद्र जी यादव की उनसे बात हो गई, उसके बाद ही वो वहां से उठ के गए थे। सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि जिन्होंने देश के लिए जान दी वो वीरंगनाएं अपने नन्हे नन्हे बालकों के साथ आज 48 घंटे पर धरने पर बैठी है। मंत्री महोदय ने वार्ता की होगी, पर मंत्री महोदय की वार्ता बेनतीजा इसलिए रही कि जो वादा इन वीर शहीदों की शहादत पर जो मंत्रीगणों ने उन अंत्येष्टि स्थल पर जाकर किया वो भी नहीं कर रहे, या उनके नाम से विद्यालय का भवन नहीं कर रहे। सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की, खुद सरकार ने उस पैकेज की घोषणा पर सरकार अमल नहीं कर रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सभा बीजेपी के नेता बनना चाह रहे हैं, बीजेपी के नेता बनना चाह रहे हैं, वो आप उनको स्पेस नहीं दे रहे। पूरा हिंदुस्तान हमें लानत कर रहा है। दुकान खोल रहे हैं बीजेपी लोग। सभापति महोदय, सभापति महोदय, माने सतीश बैठो, बैठिए आप। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मैं आपके एक मिनट, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा, सरकार वार्ता करे, कल वार्ता किस हालात में टूटी दोबारा वार्ता करें, हम उस घोषित पैकेज के अलावा एक पैसा नहीं दे, पर घोषित पैकेज पर अमल करें। सभापति महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपकी बात सरकार हाथ जोड़कर विनती है मेरी, संवेदनाएं रखे थोड़ी। लेट हिम स्पीक नाउ। सिर्फ एक मांग उनकी है, जो वो अपने देवर को नौकरी वाली, आप बोलने तो दीजिए उनको। इसके ऊपर बात उनकी नहीं थी, बाकी उनकी सारी चीजें पूरी हो चुकी। महोदय, मैं उस पर आगे बढ़ाना नहीं चाहता। सभापति महोदय, इन चिताओं के, शहीदों की चिताओं पर जाके जो आप कहीं सड़क की घोषणा करते हैं, कहीं स्कूल की घोषणा करते हैं, पैकेज की घोषणा करते हैं, किसने आपको कहा पैकेज की घोषणा करें? आज सवाल उठा था कोटा से आने वाले मान्य सदस्यों ने, 11 ऐसे शहीद हैं जिनकी वीरंगनाओं को एक पैसा सरकार ने नहीं दिया, शहर की बात है। फिर भी जो आपकी जो बात आपने कही है राज्य सरकार के ध्यान में आ गई है, आप इसको देख लीजिए। आप लेट हिम स्पीक। श्री छगन सिंह राजपुरोहित, बात आ गई सबके। सभापति महोदय, अरे हम बंद करो नहीं, बोलिए श्री छगन सिंह जी। सभापति महोदय, प्लीज बैठिए प्लीज। सभापति महोदय, मांग संख्या 21, 20, 21 और 22 प्रारंभिक